साल 1997 में एक टीवी सीरियल आया था, राजा और रैंचो। यह सीरियल दर्शकों को काफी पसंद आया था। यह सीरियल डीडी मेट्रो पर प्रसारित किया गया था। इस सीरियल में जासूस राजा और बंदर रैंचो की जबरदस्त जोड़ी को दिखाया गया था। ये दोनों मिलकर बड़े बड़े से केस सॉल्व कर दिया करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अब बंदर और राजा का किरदार निभाने वाले एक्टर वेद थापर कहाँ हैं? वेद थापर अभी भी भारत में ही रहते हैं और वे इस वक्त डॉक्टर वेद थापर के नाम से जाने जाते हैं। थापर अब एक्टिंग से दूर मिलिट्री की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा खबरों की माने तो वो एक क्लिनिक भी चलाते हैं। इसी बीच थापर ने अब एक्टिंग में वापसी के संकेत दिए हैं और ये भी बताया है कि बंदर रैंचो अभी भी जिंदा है। एक फैन ने हाल ही में थापर से उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्हें उनके हिट सीरियल राजा और रैंचो का एक नया सीजन लाने को कहा। फैन ने यह गुजारिश थापर के एक वीडियो वाली पोस्ट पर की है। थापर ने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि उड़ रही है जिंदगी रेत सी और वो रेत के ख्याली घरों पर भरोसा किए हुए हैं। इसी पोस्ट पर फैन ने कमेंट करते हुए लिखा कि सर, राजा और रैंचो सीरियल पूरा देख डाला, अब तो सारे एपिसोड खत्म हो गए, अब क्या देखेंगे, आप फिर से नया सीजन लेकर आओ। इस पर वेद थापर ने रिप्लाई करते हुए इस सीरियल के नए सीजन की पुष्टि करते हुए लिखा है कि उम्मीद है जल्द ही। हालांकि थापर ने इस सीरियल के नए सीजन को लेकर और कोई भी जानकारी नहीं दी है। अब देखते हैं कि राजा और रैंचो का यह नया सीजन कब आता है। इसके अलावा वेद थापर ने अपनी एक दूसरी पोस्ट में बताया है कि बंदर रैंचो अभी भी जीवित है। एक फैन ने इस पोस्ट में कमेंट करते हुए पूछा कि सर, क्या रैंचो अभी भी है? इस पर थापर ने जवाब देते हुए लिखा, हाँ। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।